तो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट ऑलरेडी नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है अप्रीला आरएस 150 BS6 की। हम बात करते हैं और तो देखते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो ये गाड़ी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो चलो हम सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको 150 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 18 BHP की पावर निकाल के देगा। वहीं से जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 40 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी सेम वैसी ही होने वाली है, पूरी बाइक सेम वैसी ही होने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको एक जो अलग चेंज आएगा वो अलग चेंज आएगा कि इसके अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जो कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में देखा था आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको इसके अंदर मिलेगा। अगले चेंज की अगर मैं बाइक के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो चेंज मिलेगा वो मिलेगा आपको अपसाइड डाउन वाले शॉकर ही मिलेंगे, जो आपको फॉरन में मिलते हैं वही आपको यहाँ पे भी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में मिलते हैं, वही आपको नेशनल मार्केट में भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी सही है, अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट R15 की टक्कर की ही गाड़ी बनने वाली है, लेकिन देखते हैं अगर प्राइस अगर ऑलमोस्ट सेम रहेगा या हल्का सा 19-20 का ही फर्क आएगा तो लोग इस गाड़ी को खरीदना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा जाएगा। अगर देखा जाए तो अगला इसके अंदर जो चेंज है वो ये चेंज आएगा इस गाड़ी के अंदर कि इसके अंदर आपको फुल्ली एलईडी लाइट्स मिलेंगी। और आपने अगर देखा होगा कि फुली एलईडी के अंदर इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी विजुअलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर हैलोजन बल्ब जो इंटरनेशनल लेवल पे लगते हैं 3 जो हैलोजन बल्ब है आगे 3 लाइट्स लगने का है वही सेम इसके अंदर भी लगने वाला है। तो इसके अंदर आपको फुली एलईडी लाइट मिलेगी, रियल की जो टेल लाइट होगी वो भी आपको एलईडी मिलेगी और आपको इंडिकेटर भी इसके अंदर एलईडी ही मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी है। बाइक तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, उसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी है इस गाड़ी। वहीं पे अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको सेम वही टायर मिलेंगे जो कि R15 के अंदर मिलते हैं, क्योंकि कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। शॉकर्स की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन वाले शॉकर्स मिलेंगे और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे। तो बाकी अगर देखा जाए तो ये गाड़ी लॉन्च कब होती है, मेन टॉपिक आज की लॉन्च कब होती है, तो ये जो गाड़ी है ये आपको माना जाए तो या तो ये लॉकडाउन के बाद आपको मिल जाएगी या फिर ये फेस्टिवल सीज़न में ही मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर में भी आ सकती है, तो ये दोनों टाइम है, इन दोनों टाइम में से कभी भी आएगी। लेकिन हाँ, ये बाइक का कंफर्म है कि ये बाइक इसी साल के अंदर अंदर आ जाएगी, जैसे या तो लॉकडाउन ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर आएगी आफ्टर, अदरवाइज उसमें आएगी है कि ये आपके फेस्टिवल सीज़न के अंदर आएगा जो दिवाली के आसपास में ही आ सकती है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। तो वीडियो